बच्चों, अभी तक हमने लेखांकन के बारे में जो कुछ भी जाना, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि लेखांकन का मुख्य कार्य लेखा करना, यानी कि जो भी व्यवहार दैनिक जीवन में हो रहे हैं, किसी व्यापार में हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लेखाबद्ध करके रखा जाना होता है। लेकिन इन व्यवहारों का जब हम लेखा करते हैं तो उनको हम यहाँ वहाँ कहीं पर भी नहीं लिख देते। इसको हम लेखांकन के कुछ नियमों के आधार पर व्यवस्थित करके लिखते हैं, और लेखांकन के इन्हीं नियमों के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यापार में बहुत सारी पंजियों का इस्तेमाल करता है। ये अलग अलग तरह की पंजियाँ अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। तो जब हम लेखांकन करेंगे तो लेखांकन की पूरी प्रक्रिया में हम बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिन शब्दों को आपने हो सकता है आज तक कभी ना सुना हो। हालांकि हम दैनिक जीवन में माल खरीदते हैं, बेचते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, लेकिन लेखांकन की भाषा में हम इनके लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब हम इनके अंतर्गत क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो वो कौन कौन से नए शब्द होंगे जो हमको सुनने को मिलेंगे, पहले हम उनके अर्थ को अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम यहाँ पे बात करेंगे प्रारंभिक लेखों के बारे में। तो प्रारंभिक लेखे क्या है? एक व्यवसायी अपने सौदों को सबसे पहले जिन पुस्तकों में लिखता है, क्योंकि वो सबसे पहले लिखता है इसलिए वो लेखे जो होते हैं वो प्रारंभिक लेखे कहलाते हैं। और ये प्रारंभिक लेखे ही वो लेखे होते हैं जो आगे किए जाने वाले लेखों का आधार बनते हैं। अब इन्हीं प्रारंभिक लेखों में हम शामिल कर लेते हैं जनरल या पंजी को, जिसके बारे में हम इस पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो क्या है जनरल? जनरल यानी कि वो बुक जहाँ पर इन प्रारंभिक सौदों को हम नियमानुसार यानी तिथिवार, क्रमवार, इनके सारांश के साथ इनका लेखांकन हम करेंगे, तो ऐसा जो फॉर्मेट होगा वो जनरल कहलाएगा। यहाँ पर हम जनरल का एक फॉर्मेट देख लें कि जब हम जनरल प्रविष्टियों को करेंगे तो किन नियमों को फॉलो करते हुए और किस प्रारूप को अडॉप्ट करते हुए हम जनरल प्रविष्टि करेंगे। तो जनरल प्रविष्टि के लिए आपके सामने इस तरह का एक प्रारूप होगा जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ हम इसमें तिथि यानी कि डेट लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पर्टिकुलर यानी कि विवरण लिखेंगे। जो पंजी के जो गोल्डन रूल होते हैं, स्वर्णिम नियम होते हैं, उनके आधार पर यहाँ पर ये जो विवरण वाला कॉलम है यहाँ पर पंजी प्रविष्टियाँ की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक अगला कॉलम होगा खाता पृष्ठ का, जिसके बारे में आगे जानेंगे हम कि इसमें एक्चुअली हमको किस व्यवहार की एंट्री करनी है। और उसके बाद हमारे पास दो कॉलम आएंगे जिसमें एक कॉलम डेबिट यानी कि विकलन राशि का होगा और लास्ट कॉलम हमारे पास क्रेडिट यानी कि समाकलन राशि का होगा। तो पूरे नियम के अनुसार और इस प्रारूप के अनुसार जब हम प्रारंभिक लेखों की प्रविष्टियां इसके अंतर्गत करेंगे तो हम उन्हें यह मानेंगे कि हमने जनरल का लेखा किया है। अब इसके बाद हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम प्रविष्टि करेंगे, पंजी करेंगे, या हम जब क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने जनरल लिखा, हमने जनरल एंट्री लिखी। तो पंजीयन की अगर हम बात करें तो जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है दर्ज करना, तो उन्हीं प्रारंभिक प्रविष्टियों को जब हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये कहलाएगा पंजी करना, पंजीयन करना, दर्ज करना या जनरलाइज करना। इसके बाद एक चीज हमको सुनने को मिलेगी कि जब हम पंजी प्रविष्टि करें तो उस पंजी प्रविष्टि के नीचे हमको सारांश जरूर लिख देना चाहिए, नरेशन जरूर लिख देना चाहिए। तो क्या है ये सारांश, नरेशन? किस बात के लिए, किस मैटर को हम वहाँ पर सारांश करके लिखेंगे? तो यहाँ हम ये जान लें कि जिस सौदों के लिए हमने यहाँ पर पंजी प्रविष्टि की है उस सौदे को सारगर्भित रूप में लिख देना, शॉर्ट
शॉर्टकट में लिख देना ही सारांश कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, रमेश से 5,000 रुपए का माल क्रय किया, इसकी पंजी प्रविष्टि हम कर सकते हैं यहाँ पर क्रय खाता डेबिट रमेश से। तो हम इसका सारांश विवरण के अंतर्गत लिख सकते हैं, रमेश से उधार माल खरीदा। इसी तरह से हमको दो और चीजें यहाँ पर मिलेंगी, कैरी फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड, आगे ले जाना पीछे से लाना। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड की, आगे ले जाना, तो हमारे पास पंजी की जो पुस्तकें होती हैं उन पुस्तकों में प्रत्येक पेज को जब हम बंद करते हैं, उसके जो टोटल हम निकालते हैं, योग करते हैं, तो उस योग को हम अगले पृष्ठ पर ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं आगे ले जाना। और उस पृष्ठ पर क्योंकि हमने प्रविष्टि पीछे के पन्नों से लाई है, तो वहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं पीछे से लाया। तो जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो हम इन बातों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात हमको, जब हमने जनरल का फॉर्मेट यहाँ पर देखा, तो हमने देखा था कि एक कॉलम जो है वो खाता पृष्ठ यानी कि लेजर फोलियो का भी बन रहा है। तो क्या है ये खाता पृष्ठ और कौन सी प्रविष्टि इसमें की जाती है? हमने देखा कि जनरल जो है वो एक प्रारंभिक लेखा है। जब कोई व्यापारी व्यापार करता है तो जो उसके दैनिक व्यापार होते हैं उनकी सबसे पहली एंट्री वो पंजी में करता है, यानी जनरलाइज उनको सबसे पहले करता है। लेकिन उसके पहले जब वो कच्चे खातों का निर्माण करता है, यानी वो रफली एक बुक बना लेता है जिसमें वो जो भी व्यवहार हो रहे हैं दैनिक जीवन में उनको वो लिखते जाता है, तो किन पन्नों से उस व्यवहार को लाकर हमने जनरलाइज किया, उन पन्नों की संख्या को यहाँ पर हम खाता पृष्ठ मानकर उसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर करते हैं। तो ये कॉलम बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कहीं पे कच्ची प्रविष्टियाँ बीच में नहीं होती है, इसलिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये जो कॉलम है खाता पृष्ठ वाला हमारा, वो ब्लैंक ही जाता है, खाली जाता है। एक शब्द हमको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, आहरण, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। कोई भी व्यवसायी अगर अपने व्यवसाय से वस्तु निकाल लेता है अपने निजी प्रयोग के लिए, या पैसा निकाल लेता है अपने जो उसकी फर्म है उसके अकाउंट से अपने निजी प्रयोग के लिए, तो ये उसके फर्म के खर्चे नहीं माने जाएंगे। अगर यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं निजी, यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने पैसा निकाला है या माल निकाला है, तो ऐसे कंडीशन में ये निकाली गई धनराशि, निकाला गया पैसा या फिर माल, ये आहरण के अंतर्गत आ जाएगी। एक शब्द हमको सुनने को मिलेगा, क्रय खाता। तो क्रय, जिसे कि नाम से स्पष्ट है, जब भी कोई व्यापारी माल खरीदेगा तो वो क्रय खाता में उसकी प्रविष्टि करेगा, और इससे जस्ट अपोजिट अगर वो माल वापस करेगा तो फिर वो क्रय वापसी में इसकी प्रविष्टि करेगा। दूसरा पक्ष अगर हम देखें, विक्रय यानी कि बेचना, तो जब कोई व्यापारी माल बेचेगा तो विक्रय खाता ओपन करेगा, विक्रय खाता में उसकी प्रविष्टि करेगा, और अगर इस व्यापारी के द्वारा बेचा गया माल कस्टमर से वापस आ जाता है तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है, यानी कि ये आ जाएगा विक्रय खाते के अंतर्गत। तो क्योंकि लगातार ये सारी ये जो क्रम है चलते रहते हैं, कभी वो माल खरीदता है, कभी बेचता है, कभी बेचा गया माल वापस आता है, तो कभी खरीदा गया माल वो वापस कर देता है, तो इस कंडीशन में व्यापार में क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, इस तरह के खाते बनते रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो प्रारंभिक लेखे होते हैं वास्तव में ये दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होते हैं। हमने पहले भी देखा कि दोहरा लेखा प्रणाली यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं,
एक देने वाला और दूसरा लेने वाला, एक देने वाला दूसरा प्राप्त करने वाला। यही कारण है कि इसको हम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर इनका लेखांकन हम करते हैं। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर तीन तरह से इनका लेखा किया जाता है। सबसे पहले यहाँ हम बनाते हैं कच्चा जनरल या स्मरण पुस्तक जिसे हम कहते हैं, या फिर हम उसको रफ बुक भी बोलते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं जनरल और उसके आधार पर फिर हम करते हैं लेजर। तो ये कच्चा जनरल क्या है, जिसमें हम रफली रोज जो भी व्यवहार हो रहा है, जो भी हम माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या छोटे मोटे खर्च कर रहे हैं, उनको हम रफली लिख देते हैं। तो आइए इसका एक नमूना देखते हैं कि किस तरह से हम कच्चा जनरल का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा कि बहुत साधारण तरीके से हम कच्चा जनरल का निर्माण कर लेते हैं। जनरली व्यवहार में ये देखा जाता है कि व्यापारी जो होता है वो डायरेक्ट पंजी प्रविष्टियाँ कर देता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अगर व्यापार है और वहाँ पर लोगों की संख्या कम है, काम करने वालों की संख्या कम है, रोज़ वो व्यवहार का लेखा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में कई बार जो व्यापारी होते हैं वो कच्चा जनरल का प्रयोग भी करते हैं। अन्यथा ज़्यादातर स्थानों पे ये देखा जाता है कि डायरेक्ट पंजी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो एक नज़र हम ये भी डाल लें कि कच्चा जनरल जो है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो एक तो इनका उद्देश्य होता है याददाश्त बनाए रखने के लिए। अगर हम कच्चे जनरल में रफली इनका लेखा ना करें और ये सोचें कि बाद में हम डायरेक्ट पंजी प्रविष्टि कर लेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे जो व्यवहार हैं, बहुत सारे जो क्रय विक्रय हैं या आय व्यय हैं, उनको हम भूल जाएं। तो याद रखने के लिए भी हम रफली इनको लिख लेते हैं।
एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि इससे पंजी में प्रविष्टि करना आसान हो जाता है, क्योंकि कक्षा जनरल में हम रफली किसी भी व्यवहार को तिथिवार लिख देते हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्रमबद्ध तरीके से पंजी में लेखे करते चलें तो पंजी में लेखे करने का काम जो होता है वो आसान हो जाता है। एक इसका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि छूट जाने का जो भय होता है कि जो भी व्यवहार हुए हैं उनमें से अगर कोई व्यवहार अगर छूट जाता है तो हम देखते हैं कि जनरल का जो टोटल है, जनरल की जो एंट्रियाँ है वो वहाँ पर मिस्टेक होती है, और जनरल के आधार पर जब हम लेजर बनाते हैं यानी कि हम खाता बही जब बनाते हैं तो वहाँ पर बैलेंस गलत आता है। और आपने देखा कि अगर जनरल गलत है तो लेजर गलत होगा, लेजर में कोई मिस्टेक है तो ट्रायल बैलेंस गलत होगा, और ट्रायल बैलेंस अगर गलत हो जाता है तो कहीं पे भी हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर भी हमको लगता है कि शायद कच्ची बही रखी जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये हो सकता है कि इससे प्रमाणक यानी कि वाउचर बनाने में भी सुविधा होती है, क्योंकि रफली ही सही लेकिन ये व्यवहार कहीं ना कहीं लिख दिए गए होते हैं, भूलते नहीं हैं हम। और अगर मान लीजिए वाउचर की प्रमाणक की ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह के क्रय विक्रय के लिए तो हम इन कच्चे लेखे में जो प्रविष्टियाँ की गई उनके आधार पर हम बहुत आसानी से वाउचर भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यवसाय में ऑडिटिंग जो है, अंकेक्षण का जो काम है वो समय समय पर होता रहता है, तो वहाँ पर अगर कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है, अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ भी हम जनरल के साथ साथ कच्चे लेखों का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये कि जब हम कच्चे लेखे बनाते हैं और उसके आधार पर जब हम पंजी प्रविष्टियाँ प्रारंभ करते हैं तो पंजी प्रविष्टियों का एक्चुअली वास्तव में इसका नियम क्या है और किन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हमको यहाँ पर जनरल एंट्री करना चाहिए, इसको और अच्छे से जानने के लिए आइए पंजी यानी जनरल की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करें।